नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम ONGC लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ONGC स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि उसके पहले यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्टेड हो कोई स्ट्रैटेजीज लर्न करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के तो आपको स्ट्रैटेजीज की लिंक मिल जाएंगे। उसके ऊपर जाओगे तो आपको अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, जो 85 to 95% एक्यूरेसी वाले स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे पोजिशनल पे, ऑप्शन चेन पे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं ONGC में, पिछले वीक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। क्वार्टर के नतीजे के बाद काफ़ी नीचे चला गया है ONGC स्टॉक। 165 के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था, तो रिसेंटली देख सकते कि 7-8 दिन में ही स्टॉक यहाँ पे फिर से 10 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले। लास्ट 5 डेज में भी देख सकते कि तकरीबन 2% डाउन है स्टॉक, और 1 मंथ में तकरीबन 3 to 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। तो मार्केट कैप 1.95 लाख करोड़ की है, पी रेशियो भी अच्छा खासा है और डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है ONGC का। तो चार्ट के ऊपर भी नज़र डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे 150 पे सपोर्ट लेके एक रिकवरी पुल बैक देखने को मिला था स्टॉक के अंदर। 150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन है यहाँ पे रिसेंटली ONGC के लिए, एक वहाँ पे ही सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक देखने को मिला था, ऊपर की तरफ चला गया था। 168-169 को टच करके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो लास्ट वीक में जैसे क्वार्टर के नंबर्स आए थे तो स्टॉक में गिरावट हो चुकी थी। तो क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे कैसे थे उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे, जैसे कि मार्च के क्वार्टर के जो नंबर्स है लास्ट वाले कॉलम में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे, जो कि है यहाँ पे। तो देख सकते कि जो सेल्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स यहाँ पे पिछले क्वार्टर से भी कम थे, और यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कटने के बाद जो प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,000 करोड़ का था। आधा इनकम जो थी वो माइनस में चली गई थी, जो यहाँ पे कंपनी लॉस में गई है उसका कारण यही है, क्योंकि आधा इनकम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माइनस में जाती हुई दिखाई दी है, उसके कारण स्टॉक माइनस में चला गया था। नहीं तो स्टॉक और यहाँ पे 8 to 9,000 यहाँ पे जो प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो 5,000 के ऊपर है, वो आप लोगों को 8 to 9,000 करोड़ का मिल जाता था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे 4,783 करोड़ का आधा इनकम माइनस में चला गया, और हर क्वार्टर में आधा इनकम प्रॉफिट में था। ये जो यहाँ पे चिंताजनक बात नज़र आई है उसके कारण बाकी के जो जो 2023 के जो नंबर्स है मार्च 2020 ईयरली नंबर्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो ईयरली नंबर्स में देख सकते कि मार्च 2023 का जो यहाँ पे नंबर्स है वो भी देख सकते कि सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते कि। फिर यहाँ पे बाकी के डिटेल्स को देखा जाए एक्सपेंसेस कटने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिले 16% से डायरेक्टली 11% में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। फिर यहाँ पे आधा इनकम जो है -30, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके मीन्स -30 करोड़ की है, उसके कारण काफ़ी लॉस पाया है यहाँ पे ONGC ने। फिर जो टोटल जो नेट इनकम है 32,000 टैक्स कटने के बाद 32,000 करोड़ की है, जिसमें यहाँ पे देखा जाए तो पिछले साल से काफ़ी कम इनकम आई है, उसके कारण स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो यही था लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग ONGC स्टॉक।